गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे जावा इंस्टॉल कर सकते हैं। जावा को इंस्टॉल करने के लिए पहले हमें JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में JDK की लिंक रखी है, वहाँ पे आप जाके उसे ओपन कीजिए। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे विंडोज़ 86 और विंडोज़ 6.4, तो आपको ये वाला JDK इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप JDK इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पाथ सेट करना है मेन फाइल। उसके बाद हमें जाना होगा सी फोल्डर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स 86। जैसे कि अगर आपने JDK 86 वाला आपने इंस्टॉल किया है, तो आपको यहाँ पे जाना है, जो कि मैंने 64 वाला किया है, इसलिए मैं ये वाले प्रोग्राम फाइल्स में जाऊँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जावा का फोल्डर है। जावा के फोल्डर को ओपन करके आपको JDK फोल्डर में जाना है। JDK का फोल्डर ओपन करके आपको बिन का फोल्डर दिखेगा, उसको ओपन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, तो आप ये पाथ कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पाथ कॉपी कर लिया, उसके बाद मैं अपने सिस्टम का यानी मेरे लैपटॉप का मैं प्रॉपर्टीज़ ओपन करूँगी। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा, जिसका आप देखोगे यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी आपके कंप्यूटर की। लेकिन हमें सिर्फ ये वाले ऑप्शन पे जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे। उसके बाद एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एनवायरमेंट वेरिएबल में एक यूज़र वेरिएबल फॉर HP है और सिस्टम वेरिएबल्स है। यहाँ पे आप जैसे कि सिस्टम वेरिएबल्स में आप पाथ देख सकते हैं, हालांकि मैंने अपना पाथ सेट कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK और बिन। तो यहाँ पे आप सिंपली इसे पेस्ट कीजिए और ओके कीजिए। अगर उसके बाद जब आपका पाथ सेट नहीं होता है, तो आप अपना पाथ बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडिट पे जाके आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली पाथ, और यहाँ पे आप जो आपने कॉपी किया उसे पेस्ट कीजिए। ठीक है, okay. सिंपली मैंने इसे किया, यहाँ पे एडिट पे जाके यहाँ पे आप लिख सकते हो पाथ, और यहाँ पे आपने जो कॉपी किया है उसे पेस्ट कीजिए। जैसे कि मैंने ये किया, तो आप इसे ओके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पाथ आ चुका है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जो कि मैंने यहाँ पे अपना पाथ सेट कर रखा है, इसलिए मैं ये पाथ को डिलीट कर दूँगी, ताकि मेरे को सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका JDK इंस्टॉल हो चुका है, तो उसे चेक करने के लिए आपको सिंपली आपके लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट है, उसे ओपन करना है, और यहाँ पे आपको जावा सी लिखना है। अगर जावा सी लिखते हो और अगर इस टाइम का कुछ आपको दिखता है, तो आप समझिए कि आपका सक्सेसफुली JDK इंस्टॉल हो चुका है। तो ये रहा, आपका JDK इंस्टॉल हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।